देश की सेना को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना में गिना जाता है। माना जाता है कि अमेरिका और चीन के बाद सिर्फ भारतीय सेना का नाम लिया जाता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ तल्खी जारी है, तो वहीं चीन के साथ भी कुछ खास रिश्ते नहीं चल रहे हैं। ऐसे में सेना से जुड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। खबर के मुताबिक इस वक्त भारतीय सेना भारी हथियारों की कमी से जूझ रही है। ना ही सेना के पास पर्याप्त मात्रा में मशीन गन है, ना ही राइफल्स और ना ही स्नाइपर्स। इतना ही नहीं, विकल्प के तौर पर विकसित किए गए स्वदेशी हथियार भी कसौटी पर खरे उतरने में विफल रहे हैं। बड़े ऑपरेशन के लिए तोपखानों से लेकर बंदूक, एयर डिफेंस मिसाइल और हेलीकॉप्टर से जुड़ी योजनाएं ट्रैक पर तो हैं, लेकिन छोटे हथियार अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। अधिकारियों की माने तो सेना को आधुनिक पीढ़ी की 818,500 असॉल्ट राइफल्स, 418,300 CQB, 43,700 हल्की मशीन गन और 5,500 से ज्यादा स्नाइपर राइफल्स की बेहद जरूरत है। इतना ही नहीं, ये हाल सिर्फ भारतीय सेना का ही नहीं बल्कि वायु और नौसेना का भी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हथियारों की कमी से जूझ रही भारतीय सेना की ये बात सामने आई हो। इससे पहले भी कैग की एक रिपोर्ट ने सेना में मौजूद गोला बारूद को लेकर कई खुलासे किए हैं। रिपोर्ट की माने तो अगर लड़ाई छिड़ जाए तो भारत के पास सिर्फ 10 दिन के लिए गोला बारूद है। ऐसे में इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।